एक विनाशी एक अविनाशी, ये दो का अपनों को अनुभव है। आप जितने भाई बहन बैठे हैं उन सबको इन बातों का अनुभव है। उधर ध्यान आप दें न दें उसमें आप स्वतंत्र हैं, परंतु दो बातों का अनुभव है। कैसे है कि मैं वही हूं जो बालकपन में था, मैं दूजा हो गया, बालकपन में और था, अब और ऐसा नहीं है। मैं वही हूं जो बालकपन में था। तो अपना निरंतर रहना ये याद है, और शरीर बदलता है ये कोई छिपा हुआ है क्या? हम जितने बैठे हैं बहन भाई, क्या मां के इतने बड़े जन्मे थे? जब जन्मे तब ऐसा रूप था क्या? अपने को याद नहीं, पर छोटे बालक जन्मते हैं तो जन्मते जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं, बदलते हैं। ये बात प्रत्यक्ष है एकदम। आप तो स्वयं वही रहते हैं और शरीर और दिखने वाला संसार बदलता है। अपने शरीर को देख लो, बचपन में और था, आज और था। अगर कोई दो चार वर्षों की अवस्था में मेरे को देखा हो और अचानक आज देखे तो पहचान नहीं सकता। इतना बदल जाता है तो जो पहचान ही नहीं सकता। छोटे 5-7 वर्षों का देखा और 70-80 वर्षों का देखे कितना फर्क पड़ता है। तो ये संसार बदलता है, ये बात एकदम प्रत्यक्ष सत्य है। अब इसमें कोई शंका हो तो बोल दो भाई, फिर आगे चलूंगा बात। सीधी बात है ना, ये संसार बदलता है। तो जैसे शरीर बदलता है और स्वयं मैं वही हूं, बदलता नहीं हूं, ऐसे संसार सब बदलता है पर परमात्मा नहीं बदलते, वे ही हैं। जो पहले थे वही आज है, आज है वही पहले थे, और वो पहले थे वही आज है, तो आज है वे अगर ही भी रहेंगे। ना पहले कभी बदले हैं, ना अभी बदलते हैं, ना कभी भविष्य में बदलेंगे, और बदल सकते ही नहीं। चार बार परमात्मा पहले वैसे ही थे, आज भी वैसे ही है, अगर भी वैसे ही रहेंगे, वे बदल सकते ही नहीं कभी। और संसार जो पहले था वैसा आज नहीं है, और आज है जैसा भविष्य में नहीं रहेगा। इसका तो निरंतर बदलना और परमात्मा निरंतर रहना, ये दो बातें बिल्कुल प्रत्यक्ष है। आप माने ना माने आपकी मर्जी है। शरीर आपका हमारा बदला है, ये आपसे हमारे छिपा हुआ नहीं है, और हम वही हैं, ये बात सच्ची है। तो ये संसार का एक नमूना है, शरीर इस संसार का ही नमूना है। तो शरीर तो बदलता है प्रत्येक क्षण, और एक वही रहता है। अब ध्यान देना, इस बात बताओ, हम अपने माँ के जन्मे वैसे ही आज हैं क्या? तो शरीर वैसा नहीं है, ये बात प्रति छोटे बालक जन्मते हैं ना, तो बच्चे होते हैं, छोटे बड़े हो जाए, छोटे बड़े हो जाए, छोटे बड़े हो जाए, ऐसे ये हरदम बदलते हैं। इसमें एक मार्मिक बात है, उस तरफ ध्यान कम है आदमियों का, वो ध्यान कम देते हैं,
अब कृपा करके इस बात की तरफ ध्यान दें। बैद है कि हम जी रहे हैं, इतने वर्ष आगे इतने हम जी रहे हैं, इस तरफ ही ख्याल है। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं। एक बालक 100 वर्ष का होने वाला है और वो 1 वर्ष का हो गया, तो 1 वर्ष का हो गया तो 100 वर्ष में से 1 घट गया कि नहीं, ये बात समझ आती है कि नहीं। वो 1 वर्ष का हो गया बालक तो जितना जीना था उसमें 1 वर्ष कम हो गया कि नहीं, शंका हो तो बोले भाई, इसमें संदेह हो शंका हो तो बोले। तो हम तो मानते हैं कि हम जी रहे हैं, सच्ची बात नहीं है ये, सच्ची बात है कि मर रहे हैं। जितने वर्ष आ गए हैं उतने वर्ष हमारे जीने में से खर्च हो गए हैं, उतने वर्ष मौत नजदीक आ गई है। बोलो ये सच्ची गुफी, इधर ध्यान नहीं देते, ध्यान देते कि हम जी रहे हैं। तो भाई सत्संग के द्वारा ऐसी बातों का ज्ञान होता है, ज्ञान होने पर वो आप पकड़ में हृदय से तुम निहाल हो जाए, इसमें संदेह नहीं है। हमारे संदेह नहीं है, किंचित मात्र भी शंका नहीं है। तो प्रतिदिन उम्र कम हो रही है, प्रतिदिन उम्र जा रही है, क्यों ही प्रतिदिन मौत नजदीक आ रही है। जीने के दिन जा रहे हैं, आठा दिन पाछा गया क्यों न हरिशु एक, अब पुछताए क्या हुआ, चिड़िया छुप गई खेत, आशे में उन्नी के दिन जावे छेदी दिया रहे हैं। अच्छे दिन जा रहे हैं, चातुर्मास होगा 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 होगा, ऐसे बात थी पहले, फिर हो रहा हो रहा हो रहा, फिर तो मिट रहा है मिट रहा है मिट रहा है, अब कल हो रही साथ हो रहा, तो होगा होगा था, फिर वो होता होता है, फिर मिट रहा है मिट रहा है। तो मिट रहा है यही बात सच्ची है, इसमें मर्म की बात ये देखना है कि ये संसार है, ये पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा और अभी भी नहीं में ही जा रहा है। भाई बहनों का शरीर जो बच्चे था ना, बच्चे वो बालकपन में शरीर था, वो आज है क्या, वैसा बदल गया, वो बचपन नहीं रहा। तो बचपन नहीं रहा तो जवानी रहेगी, और जवानी नहीं रहे तो बूढ़ापा रहेगा, और बूढ़ापा होने पर भी बूढ़ा रहेगा तो मरेगा, इस मरेगा इसमें संदेह नहीं। तो प्रत्येक प्राणी प्रत्येक वर्ष में मौत के पास जा रहा है, प्रत्येक वर्ष में जा रहा है, वो 1 वर्ष में कम होता है क्या, महीने में बीच में वही रहता है। मेरी बात के तो ध्यान दें, थोड़ी कृपा करें, मेहरबानी करें। 1 वर्ष में बदलता है, 100 वर्ष में बदलता है, वो प्रत्येक वर्ष में बदलता है, कल वही रहता है, नहीं तो 100 वर्ष में कैसे बदला। और 1 वर्ष में बदलता है वो प्रत्येक महीने में बदलता है, अगर प्रत्येक महीने में न बदले तो वैसे ही रहे वो। तो वर्ष में बदलता है वो महीने में बदलता है, और महीने में बदलता है वो प्रत्येक दिन में बदलता है, नहीं प्रत्येक दिन में नहीं बदल रहे तो 29वें दिन तक तो वो ही रहा, 30वें दिन बदल गया, ऐसा होता। महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिनों में 29 दिनों में वही रहा और 30वें दिन बदल गया,
क्या ऐसा होता है? नहीं होता। तो मानना ही पड़ेगा प्रत्येक दिन में बदलता है, ये मानना ही पड़ेगा। और कोई उत्तर नहीं है इसका, नहीं मानो ऐसा कोई चारा नहीं है। बताओ, प्रत्येक दिन बदलता है, वो प्रत्येक घंटा में बदलता है। तो जैसे तारीख का सुइया होता है, वो 12 बजे रात को खट पट जाता है, ऐसे हम भी 24 घंटे होने पर खट बदल जाए, ऐसा होता है नहीं? तो प्रत्येक घंटा में बदलता है। अब थोड़ी बारीक दृष्टि से देखना है भाइयों, प्रत्येक घंटा में बदलने वाला प्रत्येक मिनट में बदलता है। अध्यक्ष प्रत्येक मिनट में न बदले तो 59 मिनट में तो वही रहा, 60 मिनट में बदल गया, ऐसा होता है। मानना ही पड़ेगा प्रत्येक मिनट में बदलता है, और प्रत्येक मिनट में बदलता है, और प्रत्येक सेकंड में बदलता है। तो रूप क्या होगा? बदलना ही बदलना रूप रहा, और बदल कर जा रहा है किधर? मौत की तरफ। जीव जो बदल बदले मौत, मर जाएगा। तो आज जन्मा, आज मर गया, ये तो ज्ञान होता है, पर इधर ध्यान ही नहीं देते हैं कि जन्मा जब क्यों नहीं मर गया, इतना दिन क्यों से जी गया, कि इतनी दिन उम्र थी, वो उम्र घटते घटते समाप्त हो गई, मर गया। तो प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक मिनट में उम्र जा रही है, जीना दिन जा रहा है, मरना दिन आ रहा है। तो प्रत्येक क्षण में मर रहा है। इस बार गीता में कहा, मृत्यु संसार सागर समुद्रता भवा में। तो मृत्यु स्वरूप संसार सागर क्या है? कि जैसे समुद्र में जल भरा रहता है, ऐसे संसार में मौत ही मौत, कोरी मौत, निकाल मौत, शुद्ध मौत ही मौत भरी हुई है। ये आया अग्नि ख्याल में, जितना बदलता है वो मौत की तरफ जा रहा है, तो निरंतर मृत्यु हो रही है। अरे ऐसा बाटा आनंद कर रहे, राजी हो रहे हैं, राम राम राम, मर तो रहे हैं, राजी हो रहे हैं। वर्ष बीत गया, ऐसा वर्ष ना चाहो तो आनंद मनाओ, आनंद मनाओ तो रो माथा पीट कर गए। उम्र वैसे 1 वर्ष चला गया, खत्म हो गया, मौत नजदीक आ गई है। जिसको कोई नहीं चाहता है वो सबके लिए आ गई। 1 वर्ष कम हो गया, 1 वर्ष बीत गया, तो मौत 1 वर्ष पहले आ गई, जल्दी आ गई, वो दिन घट गया है। अरे खुशी मना रहे हैं, जैसे रात अंधेरी है, अपना छप्पर है फूस का, उसके आग लगा दी और क्या देखो कैसा प्रकाश हो गया है, एकदम प्रकाश हो गया है। अरे तेरा अंधेरा हो रहा है, घर जल रहा है, पर राजी हो रहा है, प्रकाश हो रहा है, ठीक सा सब ठीक था, ऐसे राजी हो रहा है, तेरा घर जल रहा है, मर रहा है निरंतर, राजी हो रहा है, विचार राजी हो रहा है। अक्ल कहाँ गई? कुछ समझ है कि नहीं? नहीं है तो बोलो, आप मेरी बात का खंडन करो, कह दो कि तुम ठीक नहीं कहते हो। हरदम मर रहा है संसार मात्र, हरदम मर रहा है, नाश की तरफ जा रहा है। युधिष्ठिर महाराज भाइयों के सहित रहते थे जंगल में, वन पर्व की बात है, अंतिम भाग, अंतिम वन पर्व के अंतिम भाग में एक ब्राह्मण आया और कहा कि महाराज, अग्नि पैदा करने का हमारा दंड था, लकड़ी थी दो, एक आग और एक अरना, वे दोनों आपस में बांध कर लटकाया हुआ था। एक हरिण आया, हरिण आया जो खुजली करी उसमें छींक में अड़ा लिया, फिर देखो तो भाग गया। अब उनके पीछे पांचों भाई भागे, जंगल भागते भागते प्यास लग गई, प्यास लग गई, जो क्या करे भाई प्यास लग गई। तो सहदेव था ना, ये सेवा करने में बड़ा तेज था,
आयो आप बैठो मैं जाऊं। तो जहां जल के पक्षी उड़ उड़ कर जाते हैं, देखा कि यहां कोई सरोवर है, वहां गया, जल भरा हुआ है, तो वहां जल पीने लगा, प्यास लगी हुई थी, जल पीने लगा तो आवाज कही, देखो मेरे बात का उत्तर दो फिर जल पियो, नहीं तो मर जाओगी। नहीं तो कोई है नहीं, क्या बात। तो उसने जल पिया, लंबा हो गया वहीं। सहदेव गया, अर्जुन गया, भीमसेन गया, युधिष्ठिर खुद गए, सब चारों भाई मरे पड़े। वो जल पीने को तैयार हो, कह दे मेरी बात का उत्तर देना, नहीं तो ये तेरी दशा हो जाएगी। तू तो कौन है? मैं यक्ष हूं, जल का रखवाला हूं, मेरी बात का उत्तर दो और पियो, नहीं तो ये दशा होगी। तो युधिष्ठिर का तुम बात पूछो। वहां पूछी किमाश्चर्य कह पंथा कष्ट मोदते, बहुत से प्रश्न किए। वो कहा मैं यक्ष हूं, पक्षी रूप से बैठ गया और पूछता गया, युधिष्ठिर महाराज उत्तर दे दिए। उन प्रश्नों में एक प्रश्न ये था, अहन्यहन भूतानि गच्छन्ति हिम मंदिरम शेषा स्थात गच्छन्ति किमाश्चर्य मतलब। उस यज्ञ ने पूछा कि आश्चर्य क्या है, स्थित की बात क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, ये जितने प्राणी हैं सबके सब प्रत्येक दिन में मौत में जा रहे हैं, जमराज की ओर जा रहे हैं, और मकान बढ़िया बनाओ, ऐसा बढ़िया मजबूत जाए नहीं, पीढ़ियां तक ऐसा बनाओ, ये क्या कर दो, यहाँ प्रबंध करो, पीढ़ियां तू मरेगा तो बीतेगी कैसे, बीत जाएगी, ये तो ज्ञान है न, तू मरेगा तब ना पीढ़ियां बीतेगी, तो तू तो मरेगा। तो मात्र प्राणी जम की तरफ जा रहे हैं, मौत की तरफ जा रहे हैं प्रत्येक दिन में, और फिरता पिछली चाहते यहां की फिरता चाहते। अब इससे बढ़कर आश्चर्य क्या हो, बिना बिना मात्र प्राणी जो जम गए आले जात फिरता चाहत पीस लिखा आश्चर्य लिखा, इससे बढ़कर क्या हो, मर रहे हैं और जीने का प्रबंध कर रहे हैं, रहने का प्रबंध कर रहे हैं और मर रहे हैं, अकल कहां गई, सब मर रहे हैं। जो समझदार है वे नहीं करते। मार्कंडेय ऋषि जंगल में बैठे थे, लोमथ ऋषि, मार्कंडेय आदि ये भी सिद्धि भी है, ये गए एक घास का हाथ में करवा लिया, यूं बैठे ऐसे क्यों बैठे हमारे, धूप है ना अभी लात में छपा, तो छाया करने हुई थोड़ी सी मुंडे पर छाया रह गया। तो महाराज कुटिया बना लो, कि थोड़े जीने के लिए कौन कुटिया बनाओ, थोड़ा जीना है इसमें कुटिया कौन बनाओ। महाराज कितना जीना जीना है, कहते चार युग जब बीते सतयुग त्रेता द्वापर कली, चार युग बीतते हैं तब एक चतुर्गी चतुर्युगी एक चौकड़ी कहलाती, एक चौकड़ी, ऐसे हजार चौकड़ी का दिन होता है, हजार चौकड़ी रात होती ब्रह्मा जी की, उन दिनों से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की उम्र होती। अब गिनो कितना हुआ, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग एक चौकड़ी, हजार चौकड़ी का रात, हजार चौकड़ी का दिन, ऐसे ब्रह्मा जी का दिन होता है, उन दिनों से 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु होती है। अब 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा मर जाते हैं, तो वो लोग जी कहते हैं मैं एक रुआ तोड़ते हैं देखता, और रोज नहीं मरे अब कब तो भद्र भाई, एक रोज नहीं मरता ही रहता है, अब कौन केस में बाल देते हैं भद्र हो जाते हैं, तो बड़े ठहरे उन्हें बाल देना चाहिए। रोम 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 है, जैसे भालू के होते ही ऐसे रोम रहे, एक रोआ तोड़ दे आदर के लिए। तो
आपकी कितनी उम्र है? कि उम्र हमारे जितने बाल है इतने ब्रह्मा। अब कितने बीते? एक अंगुली चिके इतने रुए खाली हुए अब, और तो सब रुए नहीं। वो जीना तो थोड़ा सा कुटिया कोण बना हुआ, थोड़े से जीने के लिए कुटिया कोण बना हुआ, घास का पूरा ले लिया नहीं गया। लघु जीवन संबत पंच दशा कल पांत ने नाश घुमा नहीं सा। कलयुग आवेगा जोर से तो 15 वर्षों की उम्र रहेगी बड़ी। लघु जीवन संबत पंच दशा 5-15 वर्ष और कल्पांत नाश अभिमान रहता है, कल्पांत मरेंगे ही नहीं ऐसा अभिमान। उम्र तो थोड़ी, अभिमान ज्यादा। विश्वभार सहस्रेण गर्भंग नायाति वासुकी। वासुकी नाग होता है उसके पर बहुत जहर फूंक मारे दुनिया को भस्म कर दे, इतना जहर है। बस सीधे चलता है। और बिच्छू होता है ना, बिच्छू के छोटा सा जहर होता है कांटे में, वो विष्णु को बिंदु माते ऊर्धम भरती करने का ऊपर चला है। देखा मेरे पास जहर है, पिता है ये थोड़ा होता उसका अभिमान ज्यादा होता है। जो थोड़ा जीते जी अभिमान जाते, थोड़ा पढ़े हुए अभिमान जाते, थोड़ा जानकार का अभिमान जाते। ये जानकारी का अभिमान होता है, इसका अर्थ है कि जान से थोड़ा हो भाई। घड़ा भरा हुआ होता है ना, वो सुगमता से जा रहा, आधा घड़ा उठा लो हलाए मारेगा आपको और बाहर पानी उछलेगा। इसका अर्थ क्या है? आधा है भरिया घट झिलके ने झिलके सो आधा मिनख आई पार का बोल या लधा पता लग गया। ये मारना है बोलने से पता लग जाता है। शब्द पिछानी है, साधु पिछानी है, शब्द सुना था बोलने से पता लग जाए भीतर कितना आगे कैसा। तो ये अधूरी जानकारी में अभिमान होता है, अधूरी उम्र में अभिमान होता है, लोमज जैसी उम्र में अभिमान नहीं होता कि हम ज्यादा जीते हैं। ये थोड़े अभिमान होता है, थोड़े जीने में हम तो जी रहे हैं सर। अरे तुम मर रहे हो, मर रहे हो। लोमज जैसी भी मर रहा है, कितनी बड़ी उम्र वाले मर रहा है। एक अंगुली टीके जितनी तो खा लीजिए ना जुआ से, उतनी उम्र कम हो गई कि नहीं? सबकी उम्र कम हो रही है। फिर कहते ये बात समझ नहीं आती, पर क्या समझ में आती? पत्थर आ रही समझ में। प्रत्यक्ष बात है, उम्र खत्म हो रही, मर रहे हैं। अदा में जी रहे था हम, इतने वर्ष आ गए था हम इतने जी रहे हैं। अरे इतने वर्ष मर गए, अब मर रहे हो। जो वर्ष बीतता है कम हो जाती उम्र। अब यहाँ का सब प्रबंध करते हैं रहने का, जैसा मकान चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, जल चाहिए, अंदर जल रोटी कपड़ा मकान कपड़ा। तुम मर जाओगे तो ये बाकी रहेगा, मरोगे पहले चिंता होती है इनकी। कोई आदमी ऐसा बहुत कम होगा जो मकान भी ना रहे, रोटी भी ना मिले, कपड़ा भी ना मिले, जल भी ना मिले, मर जाए। बहुत कम मिलेगा। ये रोटी भी बाकी रहती, जल बाकी रहता, मकान बाकी रहता, कपड़ा बाकी रहता, मरता है पहले। अरे चिंता करे रोटी कपड़े की, मरता है पहले, ये तो है बाकी। इसका नाम है मूर्खता। आज से ही इस बात को समझ लें, आज से ही इस बात को समझ लें। हरदम जा रहा तो करना सो कर लीजिए भाई, जल्दी जल्दी कर लो काम। मौत आएगी मारे ही काल, अचानक चपेट की हो ये घड़ी के मैं राख की ढेरी, घड़ी के मैं राख ढेरी हो जाएगी अचानक। सुबह शाम दिन में रात में पता नहीं, गाड़ी छूटती उसका नियम और टेम होता है। कब मर जाए पता नहीं। तो हरदम भगवान को याद रखें।
सर्वेशु कालेषु महामनुष्यो, सब समय में फिर कोई परवाह नहीं, जोखिम भी कि कभी मौत आ जाए तो भगवान का स्मरण करते हुए मरे। तो हर समय भगवान को याद रखना, राम 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 राम। बहनों भाइयों, सत्संग कई दिन आपके सामने कराया, अब बीत रहे हैं, कल का दिन और है। एक बात मान लो, हरदम राम 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 करते रहो और ये समझते रहो कभी एक दिन आज का दिन है, ये अंतिम दिन है, ये अंतिम दिन है, ये राम 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 करो, हो जाए, खत्म हो जाओ और निहाल हो जाओ भजन करने। ऐसी थी बात, बड़ी सरल बात है, कठिन बात है नहीं। भगवान को याद करने में क्या कठिन बात है, कौन सा पसीना आता है, राम राम करो तो पसीना आ जाए, का परिश्रम पड़ता है, जोर लगा राम 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 राम। ठाकुर जी को याद करो, क्या करो, मन ही मन से हे नाथ भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो प्रभु मैं भूलू नहीं, निहाल हो जाओ। पूरे दिन दिन रात प्राण जम के आ लग जाओ। फिर उत्तर दे दिया, फिर उसके बाद में कहते कुछ, अब एक भाई को जिला दूंगा, तुम्हारे भाई चार मरे हैं उनमें एक दिन बोलो किस को जिलाऊंगा। कह नकुल हो यक्ष जीव तू, विदेश ने कहा कि नकुल जी जाए। वो यक्ष कहता है कुछ बुद्धि से विचार कर, क्या मूर्खता करता है, नकुल से क्या होगा, भीम है अर्जुन है, इनमें से किसी को दिला लो जो तुम्हारा गया हुआ राज्य दिला सकते हैं, नकुल क्या करेगा। अब ध्यान दे रहे इसी से क्या उत्तर देते हैं कि हमारे माँ दो है, एक कुंती माँ है एक भाई मादरी माँ है, तो कुंती माता तो मैं हुई, मादरी माँ का एक रहना चाहिए, जब दो ही हम रहे तो हमारे दोनों माताओं का संतान रहना चाहिए ना। तो कुंती माता का तो मैं हूँ, अर्जुन भीम से मैं क्यों जिलाऊ, हमारी मादरी माता का कोई नहीं है, मादरी माता का माँ बेटा ही नकुल जी बचा है, नकुल यक्ष जी बता। तो वो यक्ष प्रसन्न हो गया कि तेने ऐसी बात की क्यों, तो उसे कहा है कि प्रथा वंश मैं हूं प्रकट नहीं माधुरी वंश, धर्म विरोधी बात को कहता न महत्व प्रसंस, अच्छे आदमी धर्म विरोधी बात को प्रशंसा नहीं करते। हमारा माँ गया भाई को तो मैं जिला लू, हमारी छोटी माँ का कोई संतान नहीं रहा, ऐसे मैं कैसे कर सकता हूँ, एक दो ही भाई हम रहेंगे, हम दोनों माताओं के रहेंगे, एक इस माँ का एक माँ का, तो चारों जिला दी। ठीक है, बहुत बढ़िया कहा। तो प्राणी मात्र दिन प्रतिदिन मौत में जा रहा है, सज्जनों तूर्णम यते दनपते दन मृत्यु यावत, भागवत माया है कि अपने कल्याण के लिए जल्दी करो, न जाने कब मौत आ जाए, मरने से पहले पहले अपना काम बढ़ा लो। फिर रजब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, फल दे दिया खेत पक गया ठीक कर रहे, अब सूख जाए कोई धोखा नहीं, अब क्या है। ऐसे मनुष्य शरीर में जो काम करना चाहिए वो परमात्मा की प्राप्ति हमने कर ली तो कोई धोखा नहीं, अब भले ही मर जाओ, इस शरीर से काम लेना तो ले गया। संत महात्मा हुए बड़े बड़े, उन लोगों ने ऐसा काम किया अपना उद्धार कर लिया, अपना उद्धार करके दुनिया के उद्धार में लग गए, सबका उद्धार कैसे हो जाए, तो बात ठीक है, अपना उद्धार भाई कर लो, फिर कोई बात नहीं है। वो नहीं वह जितने भगत कैसे मिल गया आपको, दूसरी बात करने के लिए दूसरा काम कैसे समय मिल गया। हरदम सावधान रहो, सावधानी ही साधना है, मैंने ऐसा पढ़ा कल्याण में, सावधान रहा हरदम सावधान सावचेत, ये जा रहा है दिन जा रहे हैं, जा रहे हैं दिन जा रहे हैं, जिंदगी के बीते जात सजन करो हरि से निहरवा, भगवान से ले कर लो है, जिंदगी के अच्छे दिन जा रहे हैं, अच्छे भजन सुन गए, बीमार होता है बैठे डाल तो कहता है महाराज थोड़ी देर नींद आ जाए, थोड़ा सुख में थोड़ी पीड़ मिट जाए, ऐसी कृपा करो, आज तुम्हारी पीड़ मिटी है नींद आ जाए, कहीं क्या ध्यान करते हो बताओ, कहीं फायदे,
इंद्र रोवा रहता चाहे पीड़ होता थी कि तेज तो होश तो आगा सो की थोड़ी नींद आई खाली पेरी बस। उम्र खत्म हो रही है, मौत नजदीक आ रही है, क्या कर रहे हो? सोचो तो सही, ये बात है भाई। हमने बेचारे अक्के हैं बात नहीं करते, तो समय हो गया, ऐसे ही समय मरने का हो जाएगा, वो ये अंतकाल आ गया, सत्संग का अंतकाल। कल तो कल होगा, कल भी सत्संग यहाँ होगा, सुबह भी होगा, इस मंदिर भी होगा, ये बात है भाई। ये दिन तो गए, बस गया दिन भगत नहीं आवे दूसरी बार, यहाँ वो दूसरी बार नहीं आता। ये मानव संतुष्वार मौका मिलन बारंबार, ये बात है भाई। अब कोई शंका हो तो पूछ लो, नहीं तो साक्षी बात है। नारायण 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 नारायण। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भादवा शुद्धि एकादशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 1 सितंबर 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान पर भीनासर चातुर्मास के दौरान हुआ। राम